नमस्कार जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली कक्षा 9वीं जो है मासिक मूल्यांकन टेस्ट परीक्षा माह अगस्त का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुके हैं। जो है 100% असली पेपर आप सभी लोग देख सकते हो। ये आपका जो है मैथ का है, बाकी के आपका अगला क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हमारे पास आ चुका है, आप सभी लोग देख सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी पेपर हमारे पास आ चुका है जो कि असली पेपर है। आप सभी को जो है इस पेपर के एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेप बाय स्टेप करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखो पूर्णांक आपका 20 रहेगा। यहाँ पर कक्षा 9वीं मैथ का पेपर है, आप सभी को पता है माह अगस्त का है, और आपका जो है 1 घंटा समय है, आपको लिखना होगा और निर्देश को पढ़ लेना। हर निर्देश में जो है बहुत सारा इम्पोर्टेंट छिपा रहता है कि आपका जो है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितने वर्ड में लिखना है उसे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट हम लोग। और आप जो है त्रैमासिक परीक्षा का पूरा मटेरियल हमारे चैनल पर ही मिलेगा आप सभी को, और जो है आगे की भी तैयारी करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा का पूरा यहीं पर आप सभी को जो है सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, क्या नहीं है? तो यहाँ पर वाई जो है प्लस 1/y, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है 32 सही 1/5 का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पी बहुपद पी एक्स बराबर 4x माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर शून्य क्या होगा, 3 जो है अपॉन 4, ये हो जाएगा। इसके बाद है, सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के एक स्थान पर जो है अपरिमेय संख्याएं जो है यहाँ पर एक साथ लेने पर डॉट डॉट संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ये वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सही जोड़ी का मिलान करना है यहाँ पर, ठीक ना। जो कि पहले का क्या हो जाएगा, आपका पहले का हो जाएगा 80 नंबर और दूसरे का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद जो है आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके हम आप सभी को अच्छे से दिखाएंगे, बट यहाँ पर चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शब्द एक वाक्य में अब आ जाता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर 1 व 2 के बीच का परिमेय संख्या क्या होगी, ठीक ना, क्या होगी उसको बताना है। तो उसका राइट आंसर हम यहाँ पर देख ही लेते हैं फटाफट। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो। पहले बात तो उसका परिमेय संख्या ए है, यहाँ पर देख लो 11/10, फिर आपका है 12/10, फिर 13/10। इसके बाद आपका जो है पहले का राइट आंसर आप लोग देख लो, दूसरे का, तो तीसरे का, चौथे का फिर देख लो, चौथे का पहला एंड दूसरा का दिखा देते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, वाई बराबर -2 के लिए बहुपद जो है वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई प्लस 2 का जो है यहाँ पर क्या मान ज्ञात करना है। चलिएगा उसको फटाफट दिखाई देते हैं, इसका भी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप सभी लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयारी करो। इसके बाद चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, आपको सत्य एवं असत्य बताना है। क्या सत्य एवं असत्य, पहला अंडर रूट 3 को जो है 2 अंडर रूट 3 के गुणा करने पर प्राप्त 6 प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ सही है, तो आपका सत्य लगा लेना, ठीक ना, सत्य हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार जो है अनावसानी तथा आवर्ती होता है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्या असत्य। इसके बाद आपका जो है चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर फटाफट देख लो। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप 2x, 6वां क्वेश्चन 2n का है, यहाँ पर देखना है आपको। एक चीज़ ध्यान में रखना, आपका जो है ये पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ सकता है, ठीक ना, तो इसका विशेष करके ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर चलिए हम आपको दिखाते चलते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर है कोष्टक, यहाँ पर आपको जो है 2x - y + 2z² का प्रसार ज्ञात करना है। इसका प्रसार आप यहाँ पर देखो, आपका बहुपद लिख लेना, इसको लिख लेना है, फिर आपको आगे क्वेश्चन हल करना है।
आपका यहाँ पर लिखन किया जाएगा राइट आंसर, जो कि आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर लिख लेना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, सोलह सही एक बटे फोर का, सॉरी सोलह सही तीन बटे फोर का मान ज्ञात करना है। तो सोलह सही तीन बटे फोर का मान आप लोग यहाँ पर देखो, ये राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीन शॉट, राइट आंसर आठ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, कट कुट के पूरा। और यहाँ पर जो है फिर आपका अगला क्वेश्चन आठवां देख लो, आठवां क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छे से देख लो। इसके बाद आपको जो है आठवां क्वेश्चन में करना क्या है, यदि एक्स माइनस वन कमा फोर एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स जो है के का गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है आपको, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ज्ञात किया है तो के बराबर थ्री आ जाता है राइट आंसर, जो कि आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन से है, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्या है, फाइव अपॉन अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री को सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद इसको हम हर हर का क्या कर दे परी यहाँ पर क्या करना है, परिमेयकरण करने पर यहाँ पर आ जाता है। आपको इसको डिवाइड करना है, फाइव अपॉन पाई अंडर रूट फाइव माइनस क्यू को इंटू फिर आपको कर देना है, फिर ये आपको आ जाएगा। इसके बाद अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, इसके बाद आपको जो है आ जाएगा इस प्रकार से। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लो। तो इस प्रकार से आपका था पूरा, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, लगातार आप कमेंट करना जो भी डाउट हो, ठीक ना। यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चन समय आपको सभी को जो है लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग जो है दोबारा से भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग देख लो अच्छे से। अब दोबारा तिबारा आप नहीं, आप वीडियो रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके फटाफट आप जो है इसको तैयार कर लो, क्योंकि आपके पास भी समय बिल्कुल नहीं है और मेरे पास भी नहीं, क्योंकि ये अंक जो है आपके एग्जाम में जुड़ेंगे, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि आपके जो है मासिक मूल्यांकन टेस्ट ले रहा है जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, जो भी आपको जो है लोक शिक्षा संचालन के द्वारा, तो जो है आपका नंबर जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो ये भी जो है अभी तक तो जारी यही किया है, बाकी जो है अगला जो भी जारी करता है जो है आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहना, यहाँ पर पहला दूसरा का आप फटाफट लेते रहना यहाँ पर स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर फिर ले लेना अगला, फिर यहाँ पर आपका जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर आपका फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है आपका पाँचवें का, फिर पहले पाँचवें का पहला सत्य है फिर असत्य है, फिर आपका अगला यहाँ पर देख लो, फिर आपका सातवें के बाद यहाँ पर आपको आठवां चलिए देख लेते हैं। तो आपको आठवें में क्या करना है देख लेना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा का पूरा कंप्लीट रहा। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी डाउट हो कमेंट करना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।